दूरबीन दिए। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए। आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए। आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए। आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उससे मैं बहुत खुश हूँ। आप बीजेपी की कार्यकर्ता है? मतलब कार्यकर्ता मतलब मैं देशभक्त हूँ। अच्छा, हाँ जी। और जो बीजेपी के खिलाफ है वो देशभक्त नहीं है? जो बीजेपी के खिलाफ है तो सोचा जा सकता है कि वो आधे अधूरे देशभक्त है, पूरे तो नहीं है। जिनको अच्छी सरकार बनानी है वो तो टोटली भाजपा का देशभक्त होगा। कोई इनसे सीखे सीखे इनसे सीखे। आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान? आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। आपको सुनाना है जंगलमन? जंगलमन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहता। भाई आप सब एक चीज इमेजिन करके देखो, यूएन की मीटिंग हो रही है और केजरीवाल जिसमें मफलर मांग के आ गए, अच्छे लगेंगे? खासते बाकी अच्छे लगेंगे? बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? यूएन की मीटिंग हो रही है और योगी हमारे कुर्ता पजामा धोती बांध के आगे, अच्छा लगेगा? अबे देसी है। अच्छा लगेगा, वो भी देसी है। तो प्रधानमंत्री मोदी है तो उन्होंने तो कुछ किया है ना? क्या किया बताओ? क्या जो सारा करप्शन तो वो मिटा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जितने उग्रवादी जो जम्मू कश्मीर में किया वो अच्छा किया? नहीं किया, देश के हित के लिए किया ना। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 370 हटाया। क्या होता 370? मैंने थोड़ा ये है कि गुटखा खा रखा। मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के। मैं ये बात दावे से कह रही हूँ। हम रोजगार नहीं दे पा रही है। जो हमारे नए भाई बहन इतने अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाए? हम ही फैलाते हैं, हम ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। नोटबंदी से काम तो धीमा हो गया, थोड़ा बिजनेस डगमग हो गया है, संभालने में टाइम लगेगा। सारा दिन हो गए 500 की दुकानदारी नहीं करी, लेकिन हम जीएसटी नंबर लिए बैठे। मोदी सरकार ने आर्डर किया है तो हम जीएसटी लिए। जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए। केंद्र में मोदी ही आना चाहिए, और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना चाहिए। हम देखिए सर, हम उनका प्रचारक है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। देखिए बाप रे, उनके स्टैचू का नाम क्या होना चाहिए? सुपर स्टार इंडिया होना चाहिए। स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट, स्टैचू ऑफ डेवलपमेंट नहीं। आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कुछ नहीं। हम लोगों को कहे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यार। न चूल्हा मिला, न का नाम लैट्रिन के मिला, और न कोई आवास, कुछ नहीं मिला। धोखा नहीं मिला ना? धोखा तो मिला।
मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी, बाकी हाँ क्यों भक्त है मोदी के? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसा आज से पहले कभी पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में। नहीं नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही जानते थे जैसे अब आप क्या कहें उसके बारे में कह दीजिए। कांग्रेस समर्थक तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया था। नहीं नहीं नहीं, तो उस वक्त विपक्ष कैसा था? विपक्ष उस वक्त हमारा था, विपक्ष हो गया था। नहीं वक्त था भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। बताइए सर, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत में एशियन गेम्स लेके आया? हमारे मोदी जी लाए। सर ये बताइए, भारत को नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। सरकार को तो तुरंत दोनों JNU और जामिया बंद कर देनी चाहिए। JNU के पढ़े लिखे लोग जो अभी सत्ता में उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अफजल गुरु भी JNU से ही पढ़े, अफजल गुरु भी उसी के विद्यार्थी। अफजल गुरु JNU के थे जी। निर्मला सीतारमन कहाँ से पढ़ी हुई हैं? वो तो BHU की छात्र है शायद। आज तक पाकिस्तान को कभी 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे थी, कभी जवाब नहीं दे पाई जो माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमने तो बांग्लादेश बना दिया था तोड़ के कहते। बांग्ला वो कहने की बात है साहब, किसने बनाया था वो सब कहने की बात, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानी तो था, इतने हमले हुए आप एकाध बता दें कि इनने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हो। अरे यार पाकिस्तान का पार्ट नहीं था बांग्लादेश, उसको तोड़ा। वो अब हम लोगों को उस समय के सामने का मामला है नहीं है, तो उसको तो हम नहीं बता सकते हैं आपसे, पर जो हमारे सामने हुआ है। अपने सामने तो बाबा देश भी आजाद नहीं हुआ, अपन देश को आजाद मानते हैं ना। अब मोदी जी आए तो सिलेंडर मिला होगा? नहीं सिलेंडर मिला ही नहीं। एनआरसी के फ्रॉम से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे पास तो एक ही मतलब है, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं आज कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए। इतनी बड़ी सभा में आए हैं, अगर आप बताएंगे लोगों को एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, एनआरसी ये चीज है, तब तो लोग समझेंगे। आप अगर ये कहेंगे नहीं ये सबको पता है तो कैसे काम चलेगा? नहीं पता क्यों नहीं है, सबको पता है। फिर भी जैसे एनआरसी क्या इतना है? मैं पहले भी बोला था मैं अधिक नहीं बोलते, मैं छोटी शब्द से जो मेरा बोलना। मैं ये जानना चाहता हूँ एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है। अब उस चीज को छोड़ दो, फुल फॉर्म को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ो। आप में से कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ से आपसे जानकारी चाहिए ना एनआरसी क्या है, उसके बारे में। हमारे और भी मित्र है, सबसे पूछिएगा तो सबका शायद यही जवाब होगा, जो हमारे जवाब है वही जवाब। आप लोगों को कैसे पता चलता है? व्हाट्सएप पे आता है, व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया सबसे बड़ा काम होता है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ मिलता है। तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है।